नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी का दावा है कि भारत में महंगाई की दुनिया के बाकी देशों से काफी कम और नियंत्रित है। त्रिवेदी ने ये माना कि महंगाई बढ़ी है, मगर साथ ही साथ ये भी कहा कि इसे कंट्रोल करने में सरकार सफल है। उन्होंने ये बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सुधांशु रायपुर में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में बतौर वक्ता पहुँचे हैं। मीडिया ने जब महंगाई से आम जनता की परेशानी से जुड़ा हुआ सवाल उठाया तो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, देश ही नहीं बल्कि महंगाई की मार पूरी दुनिया झेल रही है। सिर्फ श्रीलंका और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना के यूनान में मो बैंक का पेमेंट बंद कर दिया गया है, वहां टैंक लगाए गए हैं। ब्रिटेन और यूरोप में 40 साल की सबसे बड़ी महंगाई आई है। अमेरिका में 45 साल में सबसे बड़ा इन्फ्लेशन हुआ है। भारत की महंगाई की दर 8.5% है। दुनिया के सबसे बड़े देशों में ये दर सबसे कम है। यूक्रेन युद्ध और कोरोना महामारी की वजह से असर पड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी ने पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा कि आज एलपीजी सिलेंडर के दाम 1100 कुछ रुपए हैं। जनवरी 2014 में यही सिलेंडर 1241 रुपए का मिल रहा था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।